नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश इस शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरी लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं साढ़े साथी के विषय में। साढ़े साथी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, जिसके नाम से ही लोगों को थोड़ी चिंता स्टार्ट हो जाती है। साढ़े साथी कि भाई अब साढ़े साथी आ गई है तो परेशान होंगे। तो क्या साढ़े साथी तो अब साढ़े सात साल की रहती है, जैसे इसका नाम है लिखा हुआ साढ़े सात साल रहती है, तो इसका मतलब यह है कि साढ़े साल तक आदमी परेशान ही रहेगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि साढ़े साथी में लोगों को बहुत बहुत तरक्की करते हुए देखा गया है, लोगों को आकस्मिक गेन मिलते हुए देखा गया है। तो क्या रीज़न है ऐसा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, साढ़े साथी सबसे पहले तो क्या होता है कि शनि और चंद्रमा का आपस में बनने वाला एक पर्टिकुलर संबंध होता है, जिसकी वजह से साढ़े साथी स्टार्ट होती है। चंद्रमा होता है मन, शनि होता है दुख भी होता है शनि, साथ में डिसिप्लिन भी होता है शनि, अनुशासन भी यही होता है। तो मन और दुख मिलके ये आपका थोड़ा डिप्रेशन टाइप की चीज़ बना देते हैं, एक मेंटल टेंशन बना देते हैं इंसान के अंदर, तो मेंटल टेंशन होती है। उसके साथ साथ इंसान को जो रिजल्ट देते हैं, वो रिजल्ट इतने डिसिप्लिन में लाने के बाद देते हैं कि इंसान को डिसिप्लिन तो आ जाता है, लेकिन वो सोचता है यार बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इसमें, तब जाकर डिसिप्लिन मिला है, तब जाकर फल मिला है। अब इसमें कैसे इसको देखा जाए कि साढ़े साथी आपके लिए अच्छी रहेगी या साढ़े साथी आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, परेशानी इसमें होगी, टेंशन उसमें होगी, तो उसके देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि साढ़े साथी स्टार्ट होती कैसे है। साढ़े साथी का, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो उससे पहले वाले भाव में, यानी चंद्रमा से बारहवें भाव में, यहाँ से गिना तो बारहवा भाव आ गया, पहले वाले भाव में और दूसरे वाले भाव में, चंद्रमा से पहला, चंद्रमा से पहला नहीं बल्कि चंद्रमा से बारहवा समझिए आप इसको, चंद्रमा से बारहवें भाव में और चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर घूमते हुए शनि आ जाए, शनि यहाँ घूमते हुए आ गए गोचर करते हुए, तो मनुष्य की साढ़े साथी स्टार्ट होती है। क्योंकि साढ़े साथी क्यों बोलते हैं, क्योंकि शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 ईयर यहाँ रहे, 2.5 ईयर यहाँ रहे और 2.5 ईयर यहाँ रहे बीच में, तो टोटल मिला के 7.5 ईयर्स ये टाइम हो गया जब शनि इसमें रहते हैं तीन राशियों में। कब स्टार्ट होती है, जब स्टार्ट होती है जब चंद्रमा से बारहवें भाव में शनि आ जाए और चंद्रमा के दूसरे भाव में शनि पहुँच जाए, तब तक वो खत्म नहीं होती है, जब दूसरा भाव से निकल जाते हैं तब वो खत्म हो जाती है। अब इसमें देखने से, कुंडली देखने से आपको ये लगता है कि ये राशि हमारी, जैसे ये राशि हमारी है कुंभ, ये मकर है तो ये राशि कुंभ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ही शनि कुंभ राशि में आएंगे वैसे ही साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप ये समझिए कि पूरी साढ़े साथी के पीरियड में चंद्रमा को, शनि को 90 डिग्री ट्रेवल करना पड़ता है। शनि तीन राशि में रहता है और एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो तीन राशि, एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो शनि मतलब 90 डिग्री तक एक ट्रेवल करना पड़ता है, 45 डिग्री चंद्रमा से पहले और 45 डिग्री चंद्रमा के बाद, यानी 45 डिग्री यहां से पहले और 45 डिग्री यहां से बाद, तो तब जाके आपकी साढ़े साथी स्टार्ट होती है। अब इसमें कैसे लगाया जाए, देखिए, क्या साढ़े साथी इस मनुष्य की यहां से स्टार्ट होगी जहां से कि उसने राशि में प्रवेश किया है शनि ने कुंभ राशि में? ऐसा नहीं है। साढ़े साथी स्टार्ट का हम देखते हैं कि चंद्रमा हमारा 11 डिग्री का है, ये तो डिग्री तो हमें मालूम होती है, लॉन्गिट्यूड तो मालूम ही होता है, चंद्रमा हमारा 11 डिग्री का है, तो यहां से 45 डिग्री का पहले चलना पड़ेगा। मैंने बताया कि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और चंद्रमा के 45 डिग्री बाद, तो 11 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, 41 डिग्री, 4 डिग्री यहाँ हो गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब शनि यहाँ पे 26 डिग्री में पहुँचा होगा मकर राशि में, तब साढ़े साथी स्टार्ट हुई है, तब साढ़े साथी स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये एंगल आपका 45 डिग्री फिर बन जाता है। ऐसा नहीं कि साढ़े साथी स्टार्ट हुई है कुंभ राशि में पहुँचने से, शनि जब मकर राशि में ही 26 डिग्री का था, क्योंकि 4 डिग्री यहाँ मिले, 30 यहाँ मिले 34 डिग्री और 11 यहाँ मिले 45 डिग्री, तो शनि जब मकर राशि में ही 26 डिग्री का था तभी वो साढ़े साथी स्टार्ट हो गई थी। अब ख़त्म कहाँ होगी, देखिए 30 डिग्री फिर ये कवर करा, 11 डिग्री ये हुआ, 41 डिग्री, 4 डिग्री और, यानी जब वृष राशि में पहुँच जाएंगे, वृष राशि में शनि
वृष राशि में शनि जब हो जाएंगे 4 डिग्री के तब ये खत्म होगी, और मकर में जब शनि पहुंच हो जाएंगे 26 डिग्री के तब ये स्टार्ट होगी। तो यहां से यहां तक पूरा ट्रेवल करने में 90 डिग्री ट्रेवल इनका पूरा बन जाता है शनि भगवान का। तो ये एग्जैक्टली टाइम स्टार्ट होता है। अब ये शनि की जो 7.5 है आपके ऊपर, क्या ये सही रहेगी, क्या ये टेंशन देगी, इस बात पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। दोस्तों इन चीज़ से बिल्कुल भी घबराने का विषय नहीं है, 7.5 बहुत अच्छी होती है। नाहक इसके बारे में हम लोग थोड़ा गलत सोचते हैं, थोड़ा सा वो कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, थोड़ी बहुत टेंशन भी कई बार होती है, वो उसका होने का रीज़न एक रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 7.5 का नाम सुन के आप बिल्कुल परेशान हो जाएं, एकदम निश्चिंत रहें। अक्सर 7.5 परेशान नहीं करती, किस केस में परेशान करती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। तो अब इसके अंदर मैं आपको सब 7.5 के बारे में बताता हूँ। देखिए तो ये तो आपका हुआ कि 7.5 कैसे हमारी उसमें स्टार्ट होगी हमारी। अच्छा अब इसमें एक चीज आप सोचिए कि देखिए अगर आपका चंद्रमा कुंडली में, क्योंकि शनि और चंद्रमा का आपस में एक मेल हो रहा है, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बली है, स्ट्रांग है, यानी मैंने बताया था कि मन प्लस दुख, शनि का चंद्रमा का मन होता है और शनि का दुख, तो मन प्लस दुख से ही हमारी टेंशन स्टार्ट होती है। तो अगर हम मन को बहुत स्ट्रांग कर लें, हमारा मन बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर दुख को झेलने की शक्ति आ जाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी जातक की या किसी मनुष्य की 7.5 स्टार्ट हुई है लेकिन चंद्रमा उसका बहुत स्ट्रांग है, यानी कि चंद्रमा आप समझिए कि पक्ष बली है, पूर्णिमा की ओर की तरफ जाता हुआ है, चंद्रमा पक्ष बली है, चंद्रमा अपनी या उच्च की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर यहाँ बली है बहुत, तो शुभ या शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, तो उस केस में आपको 7.5 का असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मन बहुत स्ट्रांग हो गया तो आपको दुख सहने की क्षमता मिल जाएगी, मतलब आपको दुख महसूस नहीं होगा। तो एक तो ये इसके अंदर हुआ सिस्टम। तो आप देखिए कि कुंडली में आपकी चंद्रमा किस पोजिशन पर है, बली है कि कैसा है, तब इस पर डिसाइड कीजिए। ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड पार्ट जो डिसाइड होने के लिए इसका होता है वो होता है हमारा, इसका हम बोलते हैं उसको मूर्ति निर्णय। मूर्ति निर्णय, मूर्ति निर्णय क्या होता है कि जिस समय चंद्रमा, देखिए चंद्रमा जब शनि ने इस राशि में, जब शनि 26 डिग्री के हो गए, या उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जब शनि कुंभ राशि में आए, तो जब शनि कुंभ राशि में आए तो चंद्रमा उस वक्त कौन से नक्षत्र में था, यानी कि अगर हम देखें चंद्रमा, अगर हमारा कोई एक, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा यहां पर हमारा ये अश्वनी नक्षत्र में है, हालांकि अश्वनी में नहीं है, मीन राशि है, तो रेवती के आसपास जाके ये होगा, लेकिन ये मानिए कि चंद्रमा हमारा एक अभी जन्म कुंडली में नक्षत्र ए में है, और जिस समय शनि ने 7.5 के लिए यहां पर प्रवेश किया उस वक्त चंद्रमा हमारा कुंडली में, चंद्रमा गोचर में हमारा वो नक्षत्र बी में था। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लिया 2 नंबर पे है, और शायद ये 6 नंबर पे हो, कि 2 से कोई नक्षत्र की गिनती होती है, 1 से लेकर 27 तक, अश्वनी, भरणी, कृतिका, मृषिका, ऐसे लेकर रेवती तक पूरी 1 से गिनती है। तो मैं वैसी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि कुंडली में जो जन्म नक्षत्र आपका था भरणी था, जिसका नंबर 2 होता है, और जब शनि ने 7.5 के लिए कुंभ राशि में प्रवेश किया उस वक्त चंद्रमा गोचर में 6 नक्षत्र पे था, या सपोज कीजिए कि आपका 11 नक्षत्र पे था, पूर्व फागुनी पे था, तो क्या होगा। तो कहने का मतलब यह है ये मूर्ति 3 तरह की होती है डिसाइडेड। तो इसमें मूर्ति में हमारा 4 तरह की मूर्ति हमारी ये है, स्वर्ण गोल्ड वाली बोलते हैं इसको, गोल्ड सिल्वर, एक हमारी होती है कॉपर, और एक हमारी होती है लोहा, लोहे की मूर्ति। ये 4 मूर्ति होती हैं, यानी अगर 1, 6 और 10, 2, 5, 9, 3, 7, 10, 4, 8, 12, क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि सपोज कीजिए कि जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में था, सिर्फ 2 नक्षत्र में था जन्म कुंडली में, और जिस समय
वो शनि साढ़े साथी बनाने के लिए तैयार हुए, कुंभ राशि में प्रवेश करे, उस समय गोचर का चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से कौन से नक्षत्र में था? उस समय गोचर का चंद्रमा, देखिए चंद्रमा कुंडली के एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होगा, मान लेते हैं कि वो चंद्रमा कुंडली के नंबर 2 नक्षत्र में है। अब जब शनि ने साढ़े साथी के लिए स्टार्ट किया तो हम देखेंगे कि चंद्रमा अब किस नक्षत्र में है, गोचर में। तो चंद्रमा मान लिया आपके किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में है, से 7 नक्षत्र में है चंद्रमा, तो कितना आगे चला गया यहां से, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कुल मिला के 3 और 3, 6, यानी कि 6 स्थान आगे गया है। तो अगर छठे स्थान पे गया है ये 6 स्थान, तो ये स्वर्ण की मूर्ति हो जाती है, गोल्ड वाली मूर्ति कहलाती है, और इसके फल मिलते हैं श्रेष्ठ, अति उत्तम फल मिलते हैं इसके। अगर चंद्रमा नक्षत्र में गया है, जिस नक्षत्र में गोचर में गया है, वो जन्मकालीन नक्षत्र से दूसरा है, पांचवा है, नवा है, तो ये मूर्ति यहां हमें मिलते हैं रिजल्ट उत्तम, सिल्वर की मूर्ति कहलाती है, चांदी मूर्ति, रजत मूर्ति बोलते हैं। अगर तीसरे साथी दस में गया है तो यहां हमको रिजल्ट मिलते हैं मध्यम, मीडियम रिजल्ट मिलते हैं, इसको कॉपर की मूर्ति बोलते हैं, तांबे की मूर्ति। अगर 4, 8, 12 में गया, 4, 8, 12 मीन्स कि जन्मकालीन नक्षत्र से गोचर का चंद्रमा शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते समय, अगर जन्मकालीन नक्षत्र से गोचर का चंद्रमा चौथे, आठवें या बारहवा हो, तो लोहा मूर्ति होती है और इसके रिजल्ट आपके अच्छे नहीं होते, ये रिजल्ट आपके बैड रिजल्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एकदम ये मत सोचिए कि साढ़े साथी स्टार्ट हो गई तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हो सकता है कि साढ़े साथी जब आपकी स्टार्ट हुई हो तो आपकी स्वर्ण की मूर्ति आ रही हो, उस केस में आपके जन्मकालीन नक्षत्र से गोचर के चंद्रमा का नक्षत्र 1, 6, 10 पे हो, तो हो सकता है श्रेष्ठ, तो ये साढ़े साथी आपके लिए श्रेष्ठ बन जाएगी। तो ऐसे एक तो ये सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब उसके बाद पार्ट आता है कि आप ये देखिए कि शनि आपकी कुंडली में, अगर जन्म कुंडली में अगर आपके त्रिकोण के स्वामी हैं या चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी है, जैसे मैंने बताया कि दो में से कोई भी बलि होता है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी है या शनि त्रिकोण के स्वामी हैं, तो भी शनि ग्रह आपकी कुंडली में कारक ग्रह माने जाते हैं, और कारक माने जाने से उस केस में वो साढ़े साथी में नुकसान नहीं करते। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि आप ये देखिए कुंडली में आपके वो त्रिकोण के मालिक हैं या किसके मालिक हैं, वो आप केंद्र देखिए। उसके बाद आता है नक्षत्र का, हमारा तारा चक्र बोलते हैं उसको। तारा चक्र क्या है? तारा चक्र में यह देखना पड़ता है कि जिस समय शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया तो शनि कौन से नक्षत्र में था। मान लीजिए कि शनि ने जब कुंभ राशि में प्रवेश किया तो शनि 12वें नक्षत्र में है या 11वें नक्षत्र में, मान लेते हैं हम लोग इसको पूर्व फागुनी ही बोलते हैं। तो ये हमारा शनि राशि में प्रवेश, कुंभ राशि में प्रवेश करते वक्त, यानी जब साढ़े साथी स्टार्ट हो रही थी, वो हमारे 11वें नक्षत्र में है। और ये जो 11वां नक्षत्र है जन्मकालीन नक्षत्र से कितने नंबर पे आता है, ये अकाउंट आपको करना होगा। जन्मकालीन नक्षत्र मान लिया आपका 2 नंबर है, सपोज कीजिए ये है जन्मकालीन नक्षत्र आपका भरनी है, सपोज कीजिए नंबर 2 ये नक्षत्र है आपका जो जन्म के समय आपका था कुंडली में, और गोचर में जब शनि आया साढ़े साथी के लिए तो शनि आया 12वें नक्षत्र में, सॉरी 11वें नक्षत्र में, जो कि पूर्व फागुनी है। तो आप 2 से लेके और 11 तक, 2 को इंक्लूड करते हुए 2, 3, 4, 5 से लेके 11 तक आप काउंटिंग करेंगे। बस उस काउंटिंग में आपको ये ध्यान होना है जितने नंबर आए, अगर वो 9 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 से ज़्यादा है तो 9 से डिवाइड करना है और बैलेंस लेना है। तो बैलेंस अगर 3, 5, 7 ये वाला बैलेंस अगर आता है, यानी कि अगर शनि जिस नक्षत्र में गोचर में गए हैं साढ़े साथी स्टार्ट करते वक्त, अगर वो जन्मकालीन नक्षत्र से आपके तीसरा नक्षत्र हो, पांचवा हो या सातवां हो, तो ही गड़बड़ होता है, अदरवाइज बिल्कुल गड़बड़ नहीं होता। टोटल मिला के 9 नक्षत्र कहलाते हैं इसके अंदर, तारा चक्र के अंदर 9 के 3 पार्ट होते हैं, 9 × 9 × 3 = 27 नक्षत्र टोटल में लगे हुए, 3 पार्ट्स में 9 नक्षत्र होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर तीसरे में उसमें गया हो, पांचवें में गया हो या सातवें में गया हो, सपोज कीजिए अब कोई कहता है ना साहब मेरे तो 20वें नंबर में गया है,
मैंने देखा कि जन्मकालीन का जो मेरा नक्षत्र था वो अश्वनी था, नंबर एक का था, और जो अब मेरा नक्षत्र हो गया है वो हो गया है से 21 नंबर, इस नक्षत्र में चला गया है शनि जब उस गोचर में प्रवेश किया 7:30 के टाइम में, तो एक से लेकर 21 तक अपने को काउंट करना पड़ेगा आपको, यानी एक भी काउंट हुआ 21 भी काउंट हुआ, तो जो आपके नंबर आया सपोज कीजिए ये 22 नंबर आपका आया, तो अब कैसे करें, तो 22 को आप 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 = 18, 4 बैलेंस बच गया, तो इसका मतलब देखिए 4 इसके अंदर नहीं आ रहा है, केवल तीसरा पांचवा और सातवां नक्षत्र ही गड़बड़ है, 4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको 7:30 से चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए मित्रों, आपने देखा कि 7:30 से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत चीज़ें होती हैं आपको देखना होता है कि चंद्रमा आपका बलि है या नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आपको होती है, शनि अगर त्रिकोण का मालिक है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर मूर्ति निर्णय आपका स्वर्ण मूर्ति है या रजत मूर्ति है ताम्र मूर्ति भी है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 7:30 के कितने रीजंस होते हैं 7:30 को देखने के लिए, इसमें एक पैरामीटर और होता है, उसके पैरामीटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताऊंगा, उसको बोलते हैं अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग पैरामीटर होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो में बनाऊंगा क्या होता है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्रहों ने कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, जब भी आप किसी कुंडली कंप्यूटर से निकली हुई कुंडली देखेंगे तो उसके अष्टक वर्ग में आपको पॉइंट्स मिलेंगे लिखे हुए, हो सकता है कि यहाँ पे 26 पॉइंट लिखे हों, यहाँ 30 पॉइंट लिखे हों, यहाँ 28 पॉइंट लिखे हों, यहाँ 31 पॉइंट लिखे हों, कोई पॉइंट लिखे होंगे उसके अंदर कुंडली के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रह गोचर में पॉइंट्स देते हैं। तो अगर आपका शनि ऐसी राशि में गोचर कर रहा है, देखिए शनि कहाँ गोचर कर रहा है, कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेष राशि में, अगर इन तीनों राशि में 28 या उससे अधिक पॉइंट है अष्टक वर्ग के अंदर, सर्वाष्टक वर्ग के अंदर, तो समझिए गोचर आपके लिए बढ़िया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मतलब कितने पॉइंट्स आपने इसमें देखे कि शनि त्रिकोण का स्वामी है या नहीं है वो देखना, चंद्रमा पक्षबली है या नहीं है वो देखना, मूर्ति निर्णय के हिसाब से देखना कि वो मूर्ति निर्णय हमारा स्वर्ण मूर्ति है कौन सी मूर्ति है, उसके अलावा अष्टक वर्ग के हिसाब से देखना, तारा चक्र के हिसाब से देखना कि तीसरा पांचवा सातवां नक्षत्र तो नहीं है जो मैंने आपको बताया, उसके बाद देन यू कैन डिसाइड कि शनि हमारे लिए टेंशन क्रिएट करेंगे या बढ़िया जाएंगे फर्स्ट क्लास। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको शनि टेंशन क्रिएट करें, और अगर बाई चांस फिर भी आपकी चारों चीज़ें मैच नहीं कर पाती हैं, लगता है आपको कि शनि टेंशन क्रिएट करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, शनि भगवान को प्रसन्न रखिए और बस मन को स्ट्रांग करके रखिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। धन्यवाद, आपको दर्शक करता हूँ, लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्णा।